दोस्तों एक बार फिर से तैयार हो जाइए जानने के लिए कुछ अमेजिंग अपकमिंग हिंदी वेब सीरीज और मूवीज के बारे में। और ये सभी मूवीज और सीरीज रिलीज की जा रही है 9 फरवरी 2024 में। इनके अलावा भी बहुत सारी सीरीज और मूवीज रिलीज की जा रही हैं और उन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10, क्वीन एलिजाबेथ। मूवी बेस्ड है कॉमेडी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जो कि अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जीना चाहती है, लेकिन उसके लाइफ में कौन कौन एंट्री करता है और उसकी लाइफ कैसी होती है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी रिलीज की जा रही है 14 फरवरी 2024 में, वो भी Zee5 पर। नंबर 9, आइनबाज। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसके आपको बहुत सारे चेहरे नजर आने वाले होंगे। पहले तो वो इंसान एक्चुअल में एक करप्ट इंसान लगेगा आपको, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही इंसान देश के लिए कुछ करना चाहता है और असल में वो लोगों के सामने एक करप्ट इंसान बनकर क्यों रहता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी रिलीज की जा रही है 8 फरवरी 2024 में, वो भी होइचोई ओरिजिनल पर। इसे फिलहाल बंगाली में ही रिलीज की जा रही है। नंबर 8, वन डे। मूवी बेस्ड है कॉमेडी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जो कि एक स्ट्रेंजर से मिलती है और उसे प्यार हो जाता है, लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी कहां पर जाकर खत्म होती है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी रिलीज की जा रही है 8 फरवरी 2024 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। नंबर 7, अ किलर पैराडॉक्स। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जो कि अपनी लाइफ बड़ी ही नॉर्मल तरीके से जी रहा होता है, लेकिन इसी बीच अचानक से ही उसकी मुलाकात एक खतरनाक एसेसिन से होती है और उसी दिन से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। और लास्ट तक इस लड़के का अंजाम क्या होता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज रिलीज की जा रही है 9 फरवरी 2024 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की जा रही है। नंबर 6, क्रस्ट सीजन 4। सीरीज बेस्ड है कॉमेडी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट के बारे में किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। इस सीरीज में आप फिर से देखने वाले हैं स्कूल के कुछ लव स्टोरी जो कि बनती और बिगड़ती हैं। सीरीज की ये फाइनल सीजन है। सीरीज रिलीज की जा रही है 9 फरवरी 2024 में, वो भी अमेज़न प्राइम वीडियो पर। नंबर 5, लथरानी। मूवी बेस्ड है कॉमेडी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो इस मूवी में आपको 3 डिफरेंट कहानियां नजर आने वाली होंगी और तीनों ही कहानी बड़ी ही यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई जाएगी। मूवी में आप कॉमेडी के ऊपर कुछ कहानियां देखेंगे तो कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस होने वाली है। मूवी रिलीज की जा रही है 9 फरवरी 2024 में, वो भी Zee5 पर। नंबर 4, कथेरा। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है कुछ लोगों को जमीन के नीचे लगभग 100 लोगों की डेड बॉडी मिलती है और वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। वो किसी भी तरह से पता लगाना चाहते हैं कि ये डेड बॉडी असल में किनकी है और इन्हें किस लिए यहाँ पर दफनाया गया था, और लास्ट तक मिस्ट्री क्या बाहर आती है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी रिलीज की जा रही है 9 फरवरी 2024 में, वो भी Zee5 पर। नंबर 3, खिचड़ी पार्ट 2। मूवी बेस्ड है कॉमेडी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो खिचड़ी की बात ही अनोखी है। ये आपको एक अनोखे सफर पर ले तो जाती है, साथ ही साथ ये आपको अच्छा खासा हंसाते भी है। ठीक इसी तरह खिचड़ी 2 में भी एक नए मिशन पर ये निकल चुके हैं और इस मिशन को वो किस तरह कम्प्लीट करते हैं ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी रिलीज की जा रही है 9 फरवरी 2024 में, वो भी Zee5 पर। नंबर 2, भक्षक। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बड़े ओहदे पर रहते हैं और वो बड़ी ही नीच हरकतें करते हैं, तो दोस्तों कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई जा रही है ये कंप्लीट मूवी, जिसमें आप देख पाएंगे एक ऐसे ऑफिसर को जो कि लड़कियों पर अत्याचार करता है और लास्ट तक इसे सजा मिल पाती है या फिर नहीं मिल पाती है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कंप्लीट सीरीज। सीरीज रिलीज की जा रही है 9 फरवरी 2024 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर।
नंबर वन आर्या अंतिम वॉर सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आर्या की सीजन 3 में पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें अधूरी छोड़ दी गई थी और उन्हीं अधूरी चीज़ों को इस बार पार्ट 2 में कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। आर्या का लास्ट तक अंजाम क्या होता है और लास्ट तक वो अपनी फैमिली को बचाने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये सारी की सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की ये फाइनल सीजन है। सीरीज रिलीज की जा रही है 9th फरवरी 2024 में वो भी डिज्नी हॉटस्टार पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।